नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोली जाति से संबंध रखने वाले एक ऐसे राजा के बारे में जिन्होंने जंजीरा द्वीप का निर्माण किया था। वैसे तो कोली जाति में अनेकों महान राजाओं ने जन्म लिया है, उन्हीं में से एक महान राजा राजा राम राव पाटिल भी थे। राजा राम राव पाटिल जंजीरा किले के राजा और अहमदनगर सल्तनत के नौसेना के अध्यक्ष थे। उन्होंने ही जंजीरा द्वीप का निर्माण किया था। राजा राम राव पाटिल का जन्म स्वर्ण कोली परिवार में हुआ था। इनके द्वारा बनाए गए जंजीरा किले में रहने वाले सभी लोग कोली समाज के ही थे। कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से राजा राम राव पाटिल ने अहमदनगर सल्तनत का आदेश मानने से इनकार कर दिया और इसी वजह से राजा राम राव पाटिल और अहमदनगर सल्तनत के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। इसके बाद अहमदनगर सल्तनत में पीरम खान सिद्धी हबसी को नौसेना अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। दोस्तों, साथ ही सिद्धी को सल्तनत से आदेश भी दिया गया कि जंजीरा पर जितने जल्दी हो सके आक्रमण करे। सिद्धी जानता था कि राजा राम राव को आमने सामने की लड़ाई में हराना मुश्किल ही नहीं अपितु नामुमकिन है, इसलिए वो व्यापारी के भेष में मुस्लिम साथियों और महिलाओं के साथ चल पड़ा। जब सीधी जंजीरा किले में पहुंचा तो मौसम खराब होने की वजह से उसने राजा राम राव पाटिल से आग्रह किया कि राजा हमें एक दिन का शरण दे, अपने महल में शरण दीजिए। राजा राम राव ने उसके आग्रह को स्वीकारा और उसे एक दिन का शरणार्थी बना दिया। सिद्धि और उसके साथी अपने साथ भारी मात्रा में शराब लेकर आए थे। उसने शाम के जश्न में कोली जो समाज के सभी लोग थे उनको शराब पिला दी। जब सभी लोग शराब के नशे में धुत हुए तो सिद्धि जो था उसने कोली समाज के लोगों पर आक्रमण कर दिया, साथ ही जंजीरा किले पर कब्जा भी कर दिया। दोस्तों, आपको कोली राजा के बारे में छोटी सी जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलता हूं अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।